हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टू फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्थ ईस्ट सेट एग्ज़ाम का जो पेपर वन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, तो उनका सेकंड पार्ट है ये अभी। तो फ्रेंड्स, हम लोग NTA UGC नेट एंड सेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। हम लोग का सब्जेक्ट है एडुकेशन, एंड ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। ये नाम सर्च करके आप ग्रुप ज्वाइन करना, ठीक है। मेरे क्लास का जो भी लिंक होता है मैं इसी ग्रुप में प्रोवाइड करती हूँ। जैसे कि आज हम लोगों ने क्लास कर लिया, ये फ्री क्लास थे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, एंड कल मॉर्निंग भी है फ्री क्लास मॉर्निंग 8 बजे, ठीक है। तो ये भी आप लोग ज्वाइन करना। ज्वाइन करने के लिए कोड है अनुकंपा, तो ये भी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होगा। और बाकी देखो, 21 को है, 23 को है, 28, 29, 30, ठीक है, इतने सारे क्लास है, तो आप लोग ज्वाइन करना। 25th को भी है, ठीक है। तो सबका टाइमिंग सेम है 7 PM, सिर्फ एक टाइमिंग अलग है, वो है कल मॉर्निंग। कल मॉर्निंग 8 बजे है। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं पेपर वन का सेकंड पार्ट। तो आप लोगों को मैंने पूछा था कि इसका आंसर आप लोग के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो फिर ये है कि आप लोगों ने, बहुत लोगों ने बोला है आंसर 3 होगा, ठीक है। इसमें मेरा कंफ्यूज, मेरा थोड़ा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने 16 के ऊपर 4 देखा, फिर 9 के ऊपर 3 ले लिया, है ना। 4 स्क्वायर 16 होगा, तो 3 स्क्वायर 9 होगा, तो फिर ये बीच में जो है इनका क्या रिलेशन है फिर, तो है ना, क्योंकि ये तो एक सीक्वेंस में होना चाहिए आई थिंक। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हम देखो, ये 1 मतलब 1 स्क्वायर, मतलब अगर हम ऐसे सोचे 1 1, फिर ये 4 जो है, उसके बाद है 9, ठीक है, फिर है 16 25, फिर 49, और बीच में एक नहीं है। ऐसा अगर सोचेंगे तो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर 36। तो मेरे हिसाब से अगर इस तरीके से हम देखेंगे, इसका आंसर 36 होना चाहिए, लेकिन 36 आंसर है नहीं। और अगर सिंपल तरीके से 14 के ऊपर जैसे इनका स्क्वायर रूट दिया है, तो 9 के ऊपर देंगे तो 3 होगा, अगर नहीं तो 36 होने का मतलब पॉसिबिलिटीज था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से अब स्टार्ट करेंगे। रिमेनिंग 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ आंसर डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा बी, ठीक है, इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा डी, एंड 27 का आंसर होगा सी, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा बी, एंड 29 का, ये क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 29 का आंसर होगा डी। आप लोग कर पाए कि नहीं ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। एंड क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ए, ठीक है। 31 का आंसर हो जाएगा सी, 32 का भी होगा सी, ठीक है। 33 का आंसर है बी, एंड 34 का आंसर है बी, दोनों बी है। एंड 35 का आंसर क्या होगा, 35 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। एंड फिर जाते हैं 36, तो 36 का आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी, ठीक है, ओके। 37 ये पैसेज दिया था, तो ये पढ़ के आप लोगों को आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो, तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ए, देन क्वेश्चन नंबर 38 का, जितना मुझे लगता है कि ये लॉजिकली होना चाहिए, ए ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर यहाँ पे डी होगा, एंड क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 ये हो जाएगा सी, एंड क्वेश्चन नंबर 42 बहुत इजी क्वेश्चन है, ये होगा सी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 43, अच्छा 43 का भी आंसर होगा सी, एंड क्वेश्चन नंबर 44 इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 45 URL का फुल फॉर्म, तो ये हो जाएगा ए। देन क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा ए।
देन आपका 48 का आंसर क्या होगा? 48 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। देन और दो क्वेश्चन बाकी है, 49 का आंसर होगा बी, एंड 50 ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ओके फिर मिलते हैं कल मॉर्निंग हम लोग, कल मॉर्निंग आप लोग ज्वाइन करना, मॉर्निंग 8 बजे, ठीक है, आपका क्लास होगा अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल फ्री क्लास है, एंड क्लास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो उसी से भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, और नहीं तो आप मेरे अन अकेडमी के प्रोफाइल में जाके कल मॉर्निंग वाला जो क्लास है, या फिर मॉर्निंग 8 बजे ही डायरेक्टली जाके ज्वाइन करना। ज्वाइन करने के लिए कोड है अनुकंपा, ठीक है। कल हम लोग यूनिट 9 का जापानीज मॉडल ऑफ चेंज पढ़ेंगे। ओके, वीडियो को शेयर करना, लाइक कर देना, एंड कोई भी कुछ भी बोलना होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू एवरीवन।